हेलो चिल्ड्रन, वंस अगेन आई वेलकम टू यू ऑल इन माय इंग्लिश क्लासेस। आई एम श्रीमती मनीषा श्रीवास्तव, उच्च माध्यमिक शिक्षक फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुरैया, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा। वी आर लर्निंग टुडे स्नैपशॉट इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर ऑफ क्लास 11th, एंड दिस इज़ लेसन 2। द नेम ऑफ द लेसन इज़ द एड्रेस एंड इट इज़ रिटन बाय मार्गा मिनको, एंड दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ दिस लेसन। हियर यू आर सीइंग 2 कवर पेजेस ऑफ द बुक। दिस ब्लू कलर्ड स्नैपशॉट इज़ द कवर पेज ऑफ एम पी बोर्ड स्टूडेंट, बट द सिलेबस इज़ ऑफ एन सी आर टी, एंड दिस येलो कलर्ड बुक इज़ ऑफ सी बी एस ई स्कूल, बट द नेम द सिलेबस इज़ टेकन फ्रॉम NCERT book. So the lesson is same in both the book. अभी तक हमने जो इसका फर्स्ट वीडियो बना था लेसन के, यानी शुरू के 1.5 पेज हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें पढ़ा कि लेखिका एक एड्रेस पे जाती हैं मिसेस डॉर्लिंग के पास, और वहाँ जाकर जब वो दरवाज़ा खटखटाती हैं, डोरबेल बजाती हैं, तो जो मिसेस डॉर्लिंग रहती हैं वो लेखिका को पहचानने से मना कर देती हैं कि वो नहीं जानती उन्हें। पर लेखिका ये समझ जाती है कि मिसेस डॉर्लिंग उनसे कुछ छुपा रही है। वो दरवाज़ा थोड़ा सा ही खोलती है, चिंक यानी थोड़ी सी दरार से मिसेस डॉर्लिंग उनसे बात करती है लेखिका से। और जब लेखिका बताती है कि मैं मिसेस एस की पुत्री हूँ, तो मिसेस डॉर्लिंग बोलती हैं कि मैं अभी तुमसे बात करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, कभी और बात करेंगे। और साथ ही वह दरवाज़ा बहुत सावधानी से बंद कर देती है ताकि अंदर की कोई चीज़ ना दिखाई पड़े लेखिका को। पर लेखिका ये देख के पहचान जाती है कि जो मिसेस डॉर्लिंग हैं उन्होंने लेखिका के माँ के हाथ का बना हुआ कार्डिगन पहना हुआ था, जो ग्रीन कलर का था। लेखिका जब उनसे बात कर रही होती हैं तो इस बीच अंदर का एक दरवाज़ा खुलता है और उससे बहुत ज़्यादा सीलन भरी बदबू बाहर लेखिका तक पहुंचती है। अब लेखिका से जब वो मिसेस डॉर्लिंग बोल देती हैं कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ आपसे अभी बात करने में, तो लेखिका थोड़ी देर को वहीं खड़ी रह जाती है। वो डबल से उस एड्रेस को चेक करती है। एड्रेस में वही लिखा होता है जो उसकी माँ ने बरसों पहले लेखिका को दिया था, डॉर्लिंग, और नंबर 46। तो लेखिका ये कंफर्म हो जाता है लेखिका को कि मैं गलत जगह पे नहीं हूँ, सही जगह पे हूँ। फिर लेखिका को अपनी माँ की बात याद आने लगती है कि वो युद्ध का समय चल रहा था और उस युद्ध के दौरान माँ का एक बहुत पुराना परिचय जो मिसेस डॉर्लिंग के रूप में था, जो अब अचानक से अपना कांटेक्ट उसकी माँ से बढ़ा लेती हैं और एक एक करके वो लेखिका के यहाँ के बहुत सारे कीमती सामान उनके घर से ले जा लेती हैं, ये कहते हुए कि युद्ध के दौरान यदि घर छोड़ के जाना पड़ा तो ये सारी चीज़ें मैं सुरक्षित रखूँगी। और उनके यहाँ के चांदी की क्रॉक बर्तन, चम्मच, स्पून्स वगैरह, और क्रॉकरी और वास, जो चीज़ें बहुत हैवी रहती हैं वो उनको घसीट के तक ले जाती हैं। और लेखिका की माँ कुछ कह नहीं पाती हैं। जब लेखिका उनसे पूछती हैं कि क्या उन्होंने कहा था कि वो ये सब वापस कर देंगी या सुरक्षित रखेंगी, तो लेखिका की माँ कोई जवाब नहीं दे पाती हैं और रोने लगती हैं। लेखिका यहाँ पे समझ जाती है कि सबसे माँ को तकलीफ़ हो रही है और ये सब पूछना माँ की इंसल्ट करना होगा, कि उनके निर्णय पर प्रश्न चिन्ह उठाना होगा। तो लेखिका को वो ये भी समझाती हैं उनकी माँ कि ये बहुत तकलीफ़ देह होता था कि जब भी कभी घर से बाहर जाओ तो पूरा सूटकेस भर के ले जाओ, वो सारी कीमती चीज़ें साथ में लेके जाओ। यहाँ तक हम लोग पिछले पेज में पढ़ चुके थे। अब हमें नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 12। कम ओपन योर पेज नंबर 12 एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पेज नंबर 12। My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. मेरी माँ को
समझ में आ रहा था कि मैं माँ की बात से पूरी तरह से कन्विंस्ड नहीं हुई, कन्विंस्ड यानी संतुष्ट नहीं हुई। शी लुक्ड एट मी रिप्रूविंगली, वो मुझे देखते रहे, रिप्रूविंगली यानी होता है धिक्कारते हुए, डांटते हुए। एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, उसके बाद मैं हमने यानी मैंने लेखिका ने और माँ ने इस विषय में कोई और बात नहीं की। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. इसी बीच ये सब बातें जब लेखिका के दिमाग में चल रही थी माँ की और लेखिका के बीच की, उस समय लेखिका स्टेशन की ओर चल पड़ी थी और इस बीच लेखिका को कोई भी चीज़ रास्ते में जो ध्यान आई उस पर लेखिका का ध्यान नहीं गया। I was walking in familiar places again for the first time since the war. मैं दोबारा से उन्हीं चिरपरिचित स्थानों के बीच से गुजर रही थी पहली बार, आफ्टर द वार, युद्ध समाप्त होने के बाद पहली बार उस स्थान से गुजर रही थी। वो सब देखे हुए स्थान थे लेखिका से। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर दैन वॉज नेसेसरी, पर मैं और कहीं नहीं जाना चाहती थी, बस वहीं जहाँ जाना जरूरी था। आई डिडेंट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेस फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रेशियस टाइम। मैं नहीं चाहती थी अपने आप को अपसेट करना यानी परेशान करना, क्योंकि उन गलियों में मेरी बहुत ही प्रेशियस कीमती यादें जुड़ी हुई थी और उन गलियों को देखकर पुनः अपनी याद को ताज़ा करके खुद को परेशान नहीं करना चाहती थी। इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर। ट्रेन में जब मैं वापस लौट रही थी तो मैंने फिर से मिसेस डॉर्लिंग को अपने सामने देखा जैसे मैं पहली बार उनसे मिली थी। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। ये उस समय की बात है, उस सुबह की बात है जब मेरी माँ ने मुझे मिसेज डॉर्लिंग के बारे में बताया था। आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट। ये उस दिन मैं लेट उठी थी, कमिंग डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। डाउन स्टेयर्स यानी नीचे उतरना सीढ़ियों से। आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, मैंने देखा कि मेरी माँ किसी को छोड़ने बाहर गई। सी आउट यानी बाहर छोड़ना, जैसे सी ऑफ करते हैं ना, बाहर छोड़ने गई थी मेरी माँ। अ वुमन विथ अ ब्रॉड बैग, एक महिला जो बहुत मोटी थी, ब्रॉड बैग यानी चौड़ाई ज़्यादा थी उनकी, मोटी थी थोड़ी। देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर, मेरी माँ ने बोला देखो मेरी बेटी आ गई। शी बेकॉन्ड मी, उन्होंने इशारा किया, मेरी माँ ने मेरी ओर इशारा किया। बेकॉन्ड यानी इशारा करना। द वुमन नोडेड एंड पिक अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, वो महिला ने पलट के मुझे देखा, नोडेड यानी सिर हिलाया, और पिक्ड अप यानी उन्होंने वो सूटकेस उठा लिया अंडर द कोट रैक, रैक के नीचे से सूटकेस उठाया। कोट रैक यानी वो रैक जहाँ पर वो लोग कोट वगैरह रखा करते थे, उसके नीचे से सूटकेस उठाया। शी वोर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हेड, वो जो महिला थी उस यानी मिसेस डॉर्लिंग, उन्होंने ब्राउन कलर का कोट पहना हुआ था और एक शेपलेस यानी हेड पहना हुआ था जिसका कोई आकार अब बचा नहीं था। डज शी लिव फार अवे आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या ये बहुत दूर रहती हैं। सीइंग द डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस, वो परेशानी जो उठा रही थी उस हैवी सूटकेस को लेके जाने में, ये देखते हुए मैंने पूछा क्या ये बहुत दूर रहती हैं हमारे घर से।
इन मार्कोनी स्ट्रीट, कहाँ माँ ने बताया, सेड माई मदर इन मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, रिमेंबर डेट, रिमेंबर दैट, कहाँ रहती थी वो, मार्कोनी स्ट्रीट पे, नंबर था उनके घर का 46, रिमेंबर दैट, और माँ ने ये भी कहा ये याद रखना, आई हैड रिमेंबर्ड इट, मैंने उसे याद कर लिया, बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, पर मुझे वहाँ जाने के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ा, इनिशियली आफ्टर लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, शुरुआत में, इनिशियली यानी आरंभ में, आफ्टर द लिबरेशन, स्वतंत्रता के बाद, आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, ये सारी पूरा रखे हुए सामान में मैं उतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट, और स्वाभाविक रूप से मैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में सोचने में डरी हुई थी, अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, अफ्रेड इस बात से थी कि मैं मुझे उस चीज़ का सामना करना पड़ेगा जिससे, जो मुझसे संबंधित था, कनेक्शन था, और वो कनेक्शन अब बचा नहीं है, नो लॉन्गर एग्जिस्ट, अब उसका संसार में अस्तित्व नहीं है, किससे, माँ से, विच वी आर हिडन अवे इन कबर्ड्स एंड बॉक्सेस एंड वेटिंग इन वेन अंटिल दे वी आर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, जो चीज़ें अभी अलमारियों के पीछे छिपी हुई, हिडन यानी छुपी हुई हैं, इन कबर्ड्स यानी अलमारियाँ, बॉक्सेस यानी पेटी वगैरह में, और वेटिंग कर रहा है, इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें पुनः उस जगह रखा जाए जहाँ पर वो रखी जाती थी, विच हैड एंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वेयर थिंग्स, उन्हें वो सारे वर्षों में अंदर रहना पड़ा, एंड्योर करना पड़ा यानी सहन करना पड़ा, क्योंकि वो वस्तुएँ थीं, वो वस्तुएं थी इसलिए वो वहीं पर रुकी रही, उनको वहीं पे छोड़ दिया गया अलमारियों में या पेटी वगैरह में, बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, फिर ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे सारी चीज़ें नॉर्मल होते गईं, सामान्य होते गईं, ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर, अब रोटी कमाना जो है वो आसान हो गया, देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन्ड, अब जो है वहाँ पे आराम से सो सकते थे, बिस्तर था और बिना किसी डर के, अनथ्रेटन्ड यानी बिना किसी डर के सो सकते थे, अ रूम विथ अ व्यू यू वेयर मोर यूज्ड टू ग्लैंसिंग एट ईच डे, एक ऐसा रूम जहाँ से तुम बाहर देखा करते थे, ग्लैंसिंग यानी झांकना, देखना, रोज देखा करते थे, एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पजेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, और एक दिन मैंने ये नोटिस किया, मैंने नोटिस किया कि वो सारी पजेशंस यानी वस्तुएं, जो चीज़ें थीं जो उस एड्रेस पे होनी चाहिए थी, उनके बारे में मैंने विचार किया, आई वॉन्टेड टू सी देम, मैं चाहती थी वो चीज़ें फिर से यहाँ देखूँ, टच, रिमेंबर, उन्हें छूँ, उन्हें याद करूँ, वो सारी चीज़ें, क्योंकि लेखिका के माँ के हाथ की थी तो उन सारी चीज़ों से लेखिका का बहुत ज़्यादा लगाव था, आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेज डॉर्लिंग्स हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, जब मैं पहली बार गई मिसेज डॉर्लिंग के यहाँ और वो विजिट इन वेन रही, मतलब बेकार रही, व्यर्थ रहा जाना मेरा, मैंने डिसाइड किया कि मैं दोबारा वहाँ पर जाऊँ, नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन्ड द डोर टू मी, जब लेखिका दोबारा पहुँची तो लगभग 15 वर्ष की एक लड़की ने दरवाज़ा खोला मेरे लिए, आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वॉज एट होम, मैंने उससे पूछा क्या उसकी माँ घर पर हैं, नो शी सैड, वो बोली नहीं, माई मदर इज़ डूइंग एन इरेंड, मेरी माँ काम पर करती है, इरेंड यानी काम,
नो मैटर आई सेड आई विल वेट फॉर हर, मैंने बोला कोई बात नहीं मैं उनका इंतज़ार कर लूँगी। कम टू द नेक्स्ट पेज, दिस इज पेज नंबर 13। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज, मैं लड़की के पीछे पीछे गई पैसेज से यानी बरामदे से होते हुए। एन ओल्ड फैशनड आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू द मिरर, आईना के सामने एक पुराने तरीके का आयरन हनुक्का यानी यहूदियों का जो प्रकाश उत्सव मनाते हैं वह कैंडल होल्डर आईने के ठीक बाद रखा हुआ था। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वाज मच मोर कम्बरसम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक, हमने कभी उसका उपयोग नहीं किया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम्बरसम यानी भारी भरकम था, एक कैंडल जलाने से ज़्यादा भारी भरकम उसको उपयोग करना था, हनुक्का को उपयोग करना। हनुक्का यहूदियों के समय में जो प्रकाश उत्सव होता था और उस समय वो यूज करते थे हनुक्का को। वॉन्ट यू सिट डाउन आस्क द गर्ल, लड़की बोली क्या आप बैठ जाएंगी। शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, उसने दरवाज़ा खोला अपने लिविंग रूम का और मैं लिविंग रूम यानी बैठक कक्ष का दरवाज़ा खोला, मैं अंदर गई आई वेंट इनसाइड पास्ट हर और उसको उसके अंदर मैं चली गई, पास्ट हर यानी उसके सामने से होते हुए उस रूम के अंदर चली गई। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, मैं रुक गई थोड़ा घबराई भी। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो, मैं एक ऐसे रूम में थी जिसे मैं जानती भी थी और जिसे नहीं भी जानती थी। क्यों जानती थी? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उस रूम में मेरी माँ की बनाई हुई थी। एंड डिड नॉट नो, क्योंकि वो सारी चीज़ें किसी और के लिविंग रूम में थी, तो उस रूम को मेरे लिए मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर, मैंने अपने आप को ऐसी चीज़ों के बीच पाया, मिड्स्ट यानी के बीच पाया जो जिन्हें मैं दोबारा से देखना चाहती थी, बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर, पर उन्होंने मुझे ऑप्रेस यानी परेशान कर दिया एक अजीब से वातावरण में। अजीब सा वातावरण क्योंकि वो दूसरे के घर में रखी हुई थी और वो उतनी महत्वपूर्ण अभी समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि वो बिलोंगिंग्स अभी लेखिका की हुई नहीं थी फिर से। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, और इस कारण भी कि टेस्टलेस तरीके से यानी उचित तरीके से नहीं वो रखी गई थी। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर, क्योंकि वहाँ का जो फर्नीचर था वो बहुत अगली बदसूरत सा बेकार सा था। एंड द मगी स्मेल, और फफूंद वाली बदबू आ रही थी जो वहाँ पर रखी हुई थी। आई डोंट नो बट आई स्कार्सली डेयर्ड टू लुक अराउंड मी, मैं नहीं जानती थी पर ये सारी चीज़ें जो चिन्ह थे स्कार्सली ये मेरी ओर ही देख रहे थे, मेरे आसपास थे। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, लड़की ने एक चेयर आगे करी। आई सैट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वूलन टेबल क्लॉथ, मैं उस पर बैठ गई कुर्सी पे और मेरी आँखें फिक्स हो गई एक ऊनी टेबल क्लॉथ के ऊपर। वूलन यानी ऊन का बना हुआ, टेबल क्लॉथ यानी टेबल पे ढका हुआ कपड़ा। आई रब्ड इट, मैंने उसे थोड़ा सा घिसा रब किया। माय फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, उसको घिसने से मेरी जो उंगलियां थी वो गर्म हो गई। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, मैंने वो जो लाइन पैटर्न बना हुआ था उस लाइन को मैंने फॉलो किया, उसको देखा। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर, उस
में कहीं पर एक जले हुए का निशान था और वो निशान कभी भी रिपेयर यानी फिर से सुधारा नहीं गया। माई मदर विल बी बैक सून, सेड द गर्ल, लड़की बोलती है मेरी माँ जल्दी ही वापस आ जाएंगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने उनके लिए चाय बना ली है। विल यू हैव अ कप, क्या आप एक कप चाय लेंगी? और मैंने कहा थैंक यू। यहाँ पर हम अपना वीडियो आज का लेसन समाप्त करते हैं। इसका अगला भाग हम लोग अगले लेसन पीरियड में पढ़ेंगे इसके आगे से। तो सॉरी, यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग अगला भाग अपना। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरा आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन फिर से मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।